सो गाइज, अभी अभी मैंने देखा कि मुझे मिला है एक गिफ्ट, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, शिल्पा चौधरी। और अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर से निकली है ये एक बॉटल, ये आई गेस वाइन है, और ये है टेस्टी टेस्टी ब्राउनीज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि हमेशा हम शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन आज की जो शॉपिंग है वो है स्पेशल, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और उससे पहले मैं सीट बेल्ट लगा। थैंक यू काजल। आज हम जा रहे हैं बर्थडे ड्रेस लेने, और मैं इस बार थोड़ा बर्थडे पे कुछ अलग पहनना चाहती हूँ, तो मैं देखते हैं वो ड्रेस मिलती है या नहीं, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन बहुत अलग चल रही है उस ड्रेस को लेकर, बट मिल जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो पहले चलते हैं ड्रेस लेने, उसके बाद फिर बाकी की बातें करते हैं। और ट्रिप से आने के बाद हमारे जो हेयर हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ऑयली ऑयली हो गए हैं। वहाँ पे बहुत ठंड थी तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बाकी वहाँ का गर्म पानी भी ठंडा ही लग रहा था धनौल्टी में, बाकी सब जगह तो नॉर्मल था। तो अभी और आज मुझे कपड़े भी कुछ समझ भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि घर में इतनी गर्मी लग रही थी। एक तो हमारा सबसे ऊपर का फ्लोर है और वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब AC भी फेल है आपके। तो मैंने फिर साहिल की टी शर्ट पहनी है, मुझे बहुत लूज़ कपड़े पहनने का मन था। बाकी आज भूफी सिंह भी सुबह से सो रहे हैं और साहिल भी आज कुछ ऐसे ही रेस्ट पे हैं, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद सबकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। बाकी यही है कि शॉपिंग तो ज़रूरी है क्योंकि बर्थडे है, तो बस एक्साइटेड है। इतनी तेज भी मत चल के तो गिर जाए। ये काजल ने मुझे बोला है ये लेने को, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ मेरे चॉइस के हिसाब की आउटफिट नहीं है आज, ऐसे तो मैंने ले लिया ना एनिवर्सरी पे, ऐसा ही कुछ तो पहना था। अब ऊपर जा रहे हैं, देखो गाइस आज मैंने जो साहिल की टी शर्ट पहनी है उस फ्लोर पे भी कुछ नहीं था। अब ये लोग आ रहे हैं और ऊपर। बहुत कंफ्यूजन ही हो रही है। चलो अब यहाँ देखो बर्थडे ड्रेस, मुझे ये पसंद आ रही है गाइस, ये ही ना देख लूँ। साइज बड़ा मिल जाएगा वो भी प्रॉब्लम होगा। अच्छी तो लग रही है, बहुत ज्यादा हील्स है। किसको बोला ये वाला कह रहा ना पैप हो नहीं पा रहा मतलब मैंने जो डिसाइड किया था यहाँ आना वो बिल्कुल मेरा फ्लॉप हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और मार्केट आप देखो पूरी क्लोज हो रही है, ये भाई साहब भुट्टा खा रहे हैं, इनको कुछ है ही नहीं। कोई नहीं, शोना मुझे नहीं लगता आपको मिलेगी लगेगी तो वाइट ही अच्छी निकलने वाला कुछ नहीं ना, कपड़े मिलेगा वाइट के हिसाब से वाले इमेजिन कर ठीक है कर ले इमेजिन। ये किसने चूज की है? ये मेरी लाइफ में फर्स्ट है, एक बार खड़े होना मुझे देखना है। गाइस ये ले लो, मुझे बहुत सुंदर सी फुटवेयर्स मिले हैं। फुटवेयर्स मतलब देख रहे हो शटर्स की आवाजें आ रही है, मैंने सब बंद करवा दिया है यहाँ पे। और मैं अपना ज़ारा जिंदाबाद, क्योंकि वहाँ जाती हूँ मुझे सब मिल जाता है, बट स्लीपर्स बहुत अच्छी हैं पर इससे सस्ते तो ज़ारा में मिल जाती है। कलर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये नमकीन। सो गाइज, मैं अपना दुख बांट रही थी आप सबके साथ, अब अच्छे से बताती हूँ कि ज़ारा में ही सस्ता मिलता है यार, यहाँ पे तो बहुत महंगा था। जो मैंने स्लीपर्स लिए ना आप इमेजिन नहीं करोगे, मतलब इनके
फिक्स्ड प्राइस थे, आप कोई सेल भी नहीं थी, फ्रेश अराइवल था और सबको वो बहुत पसंद आया, साहिल को स्पेशली बहुत पसंद आया। और अब आपको मैं एक बात बता दूं कि वो पहनने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो आउटफिट है जो मैं बर्थडे पे सोच रही हूँ पहनने की, वो मैंने आपको अभी इसलिए नहीं दिखाई है कि सीधा बर्थडे पे ही सरप्राइज दूँ ना, ऐसे अच्छा लगेगा। तो आज मेरी बर्थडे शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट। एक ज़ारा वाली जो आउटफिट साहिल ने मुझे दी थी वो तो पहनूंगी, एक और पहनूंगी, तो दो पहनूंगी, क्योंकि जब हम छोटे होते थे मम्मा हमें नए नए कपड़े बनाते थे स्कूल में, अलग नए भेजते थे बना के घर आके। सबसे ज्यादा कितने ट्राई किए हैं? क्या मतलब बर्थडे पे कितने बार कपड़े चेंज किए? मैंने 3-4 टाइम तो करे हैं। मैंने 9 times बचपन में, मतलब मेरा जो 5th बर्थडे था उस टाइम पे 9 टाइम पूरा 9 टाइम चेंज। ओह नाइस गाइस, पूछना इनसे कि 9 टाइम। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर, और अभी हम घर जाने से पहले खाएंगे अपनी भेल पूरी। मैं खा के बताती हूँ कैसी है। बहुत स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। मिर्ची थी काजल, ये तूने जो भी लिया था इसको क्या कहते हैं, भेल पूरी, और फिर भी खाने का मन कर रहा है ना। यार गाइस पता नहीं, जब आपका जैसे मेरा बर्थडे है मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बट जैसे जैसे एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ रही है ना वैसे वैसे सैडनेस भी आ रही है। अब इसका रीज़न नहीं पता लग रहा क्यों, क्योंकि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी नहीं रहा है। मैंने बर्थडे की आउटफिट कुछ और सोची थी, फिर कुछ और ले ली, ऐसे मतलब हमेशा ही होता है मेरे साथ तो, और आप सबके साथ भी होता होगा। और मैंने सोचा था अपना बर्थडे मैं कहीं बाहर सेलिब्रेट करूँगी, इंटरनेशनल कहीं जाऊँगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं हो पाया आपको पता है? वोफी सिंह की वजह से, क्योंकि नहीं हो पा रहा है वोफी सिंह के साथ ट्रैवल ना इतना दूर दूर। और अभी भी जहाँ वोफी को लेकर गए थे उसके बाद ये घर पे आया और थोड़ा थोड़ा सैड हो गया, तो डॉक्टर ने भी बोला इसको रेस्ट की नीड है, बट यहाँ बहुत गर्मी है तो वहाँ इसके लिए सही था वेदर। अब वहाँ आम लोगों से ज़्यादा दिन नहीं रहा जा रहा था। और अभी भी जैसे आज 6 है, कल आपको ब्लॉग देखने को मिला, जैसे आज ज्यादा मिर्ची खा के फंपल कर दी नाक से भी पानी निकल रहा है यार। जैसे आज 6 है और कल 7 को ब्लॉग देखने को मिलेगा, फिर 7 को आज तो मैंने शॉपिंग की है, कल मैं अपने नेल्स बहुत सुंदर स्पेशल मतलब बर्थडे स्पेशल वाले नेल्स डन कराऊंगी। बहुत टाइम से साहिल ने बोला था ऐसे रखने के लिए, मैंने रख लिए, देख लो छोटे नेल्स भी साहिल जी, है ना, बर्थडे है तो स्पेशल नेल एक्सटेंशन तो बनता है। तो अब वो मैं नेल आर्ट क्या कराऊंगी क्या नहीं वो कल के व्लॉग में पता लगेगा। और भी बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है, जैसे बर्थडे के लिए लोकेशन हम लोगों को डिसाइड करनी है। मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे पे भी ना ढोल बजने चाहिए, तो बहुत कुछ हम लोगों को अभी अरेंजमेंट करनी है। हाँ मतलब टाइम भी पता चलता है कब निकल गया, सबने यही बोला है कि ढोल वाले होने चाहिए, तो हमें बहुत सारे बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं। अभी हम जा रहे हैं सीधा घर पे। साहिल आज काफी सैड है, पता नहीं क्या रीजन है, इनसे कमेंट करके पूछना। आइसक्रीम दो इनको, मुझसे बात नहीं करोगे? बर्थडे गर्ल को उदास कर दिया साहिल ने आज। प्रेम भैया आइसक्रीम कौन सी वाली दिखाओ इनको। क्यों, क्या हो गया आपको? आप किसी से गुस्सा हो क्या? मगर मेरे को किसी से गुस्सा है साहिल? एक नहीं, एक। हाँ जी, ये इतनी सी है? हाँ छोटी सी। ये दोनों ही दे दो। अच्छा। कितना हो गया? बहुत बड़ा पॉपर्ट हुआ है आइसक्रीम। ठीक है पता नहीं कहा छोटी सी मुझे लगा था बहुत बढ़िया आइसक्रीम आएगी, वो देख के बड़ी अच्छी लग रही थी, पर ये निकली। कुछ हुआ है साहिल को पता नहीं, पर क्या हुआ बता भी नहीं रहे। अभी अभी घर जाने से पहले हम लोग कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि आज जैगो के मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो वहाँ से हमें सुबह से वैसे कॉल आ रही थी जैगो की, लेकिन अभी अंकल जी ने बोला स्पेशली कि आना तो पड़ेगा, तो अभी उनको विश करके फिर घर जाएंगे और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। पर अभी उनके लिए हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हमारे को रात के 11 बज गए हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है, पर खाली हाथ तो नहीं जाएंगे।
सो गाइस यहाँ का एक फेमस है बकलावा। मैंने इनको बोला कि हॉस्पिटल में कोई है और उनको बेबी हुआ है तो मेरे को फिर तुमसे मिठाई की जानी है तो और मैंने मिठाई दी। अच्छा और मेरे को बार बार कह रही सर आप मेरे को पेटीएम कर दो कोई दिक्कत नहीं है और आप ले लो मिठाई ले लो क्योंकि गाइस अभी 11:30 होने वाले हैं ना तो एक क्लोज हो गया था कैश काउंटर। कांग्रेचुलेशन बोल रही थी वो तभी वो मुझसे खुश हो रही थी। इन्होंने पता क्या चल वहाँ जाके रीजन क्या दिया क्योंकि कैश काउंटर क्लोज हो गया था ना ये बोला कि घर में बेबी हुआ है और अभी मिठाई चाहिए इमरजेंसी में। उन्होंने कहा अरे सर एकदम खोल दिया और दे दिया। और मैं अपने लिए लाई हूँ एक तो छेना मुर्गी और एक ये नई चीज़ लाई हूँ गोला कच्चा संदेश खा के देखते हैं। हमने जैगो के घर पे हम गए थे और हमने उसके मॉम डैड को विश किया बाकी बस विश करते ही हम लोग थोड़ा सा हमने केक खाया और निकल गए। अब हम घर पे जा रहे हैं काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के बहुत सारी प्रिपरेशन हमें करनी है और मैं ये व्लॉग घर जाके एंड नहीं करूँगी मैं यहीं कर रही हूँ और मुझे लग रहा है आज मेरा आधे से ज़्यादा व्लॉग गाड़ी में ही निकल गया है। तो अगर ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन बाय टेक केयर बाय।